हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके और मेरे 20 सक्षम एसएपी पीएम मॉड्यूल पे। दोस्तों, आप लोगों को थैंक यू कि आप मेरे व्यूज़ बढ़ा रहे हैं। इसका ये मतलब है कि मैं सही कंटेंट बना रहा हूँ, राइट? तो जैसे आज मैंने ये टॉपिक निकाला है, इस टॉपिक का नाम है कि कौन कौन से ऐसे कॉमन मिस्टेक्स होती है जिसकी वजह से क्या आप भी फील करते हो कि अगर मैं काश ना नोटिफिकेशन में लिख देता तो सामने वाले को समझ में आता। क्या होता है, लोग नोटिफिकेशन बना देते हैं, बाद में सामने वाले कॉल करके पूछते हैं, अरे भाई तूने किस चीज़ पे नोटिफिकेशन बनाया ये तो बता दे। मतलब ये समझ रहे हो, ये केसेस जो आते हैं ना वो क्या है, आपस में क्या है, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। आप बता भी नहीं पाते कि मैंने किस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन बनाया था, आप वर्बली बता देते यार ये इक्विपमेंट है इसके मैं नोटिफिकेशन बनाया था, देख लेना कुछ गड़बड़ होगी तो। इससे क्या हो रहा है, सामने वाले का टाइम बर्बाद हो रहा है। आप अपना टाइम तो बर्बाद कर दिए, सामने वाले का भी कर दिए। उसने आपसे सवाल किया, आपने उसको कुछ और घुमा के जवाब दे दिया, ठीक है ना? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस इक्विपमेंट में काम करा रहे हो, ठीक है ना, और क्या काम करा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिखाया ना कि वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन करना है, अरे ठीक है वेल्डिंग मशीन कनेक्शन करना है मुझे पता है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो आपकी समझ में आए कि यहाँ पर मैं खोलूँगा तो कौन से समय में करा रहे हो भाई। आप क्या बोलते हैं ना, ये मेंटेनेंस जो करवा रहे हो, जैसे मेरे M1 है तो यहाँ पर क्या, मैंने M1 क्या है, सॉरी M3 जनरल प्लांट मेंटेनेंस, क्या पता है ब्रेकडाउन हो। आपने M3 लिख दिया जबकि ब्रेकडाउन था, आपने तो M3 लिख दिया, उसको तो डाउट ही नहीं है। आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की एक्टिविटी थी वेल्डिंग जॉब लेने से उससे रिलेटेड, आपने M3 बना दिया। आप प्रिडिक्टिव कर रहे थे साइट पे, उसी को लिखवाना था कि यार मैंने देखा तो इसको सही करवाते हैं इसलिए मैंने नोटिफिकेशन बनाया था, बट आपने क्या कर दिया, जनरल प्लांट मेंटेनेंस लिख दिया। आपके प्लांट में शटडाउन है और आपने क्या कर दिया, जनरल प्लांट मेंटेनेंस लिख दिया, रनिंग कंडीशन वाली मेंटेनेंस का, या जनरल फैसिलिटी, आपने कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करो पर्टिकुलर इक्विपमेंट के आसपास में, ये दे दिया, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमको क्या है, स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि नोटिफिकेशन का टाइप भी सही होना चाहिए। भैया मैं किस चीज़ के लिए नोटिफिकेशन बना रहा हूँ, कौन से टाइम में बना रहा हूँ, क्या किस चीज़ से प्रभावित होकर कर रहा हूँ मैं काम को, ठीक है ना। दूसरा है, आपको वो प्लांट पता होना चाहिए कि कौन सा प्लांट है बाबू, कौन सा इक्विपमेंट है, ठीक है ना। आपको लिखना पड़ेगा भैया मुझे इक्विपमेंट का काम करवाना है, ठीक है, को आपका नाम क्या है, आप जिसने डाला उसका नाम है क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। डेट ऑटोमेटिकली सेव होगा। आपको किससे काम कराना है, मैकेनिकल से काम कराना है, इलेक्ट्रिकल से काम करवाना है। वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल, बट वेल्डिंग कौन करेगा, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वाले को इससे काम करने बोले तो होगा, नहीं होगा, राइट। ये पार्ट छोड़ दो, ये तो बहुत टफेस्ट पार्ट है, पहले तो इसी को देखिए। उसके बाद देखिए, आप देखिए कि आपका शेड्यूल ओवरव्यू यहाँ जाते हैं तो आप देखो कि आपको कौन से पीरियड के अंदर काम कराना है, ये आपको पता होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप कोई भी नोटिफिकेशन बनाते हैं तो आप ये मत सोचो कि सामने वाला बंदे ने नोटिफिकेशन पढ़ लिया, राइट। आप उसको बोलो कि मैंने आपके इस इक्विपमेंट के अगेंस्ट में एक नोटिफिकेशन बनाया है जिसमें मैंने ये मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो जो भी साइट पे घूम रहा है या ऑफिस में बैठा है या कहीं भी है, उसको ये पता चल जाएगा कि मेरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में नोटिफिकेशन आया है एंड आई हैव टू डू यूटिलाइज माई मैनर्स, ठीक है ना। तो गलतियाँ क्या होती है, नोटिफिकेशन बनाते हैं और किसी को बताएंगे नहीं, तो उसी क्या, वो 2-3 दिन तक ऐसे पड़ा रह जाएगा। दूसरी गलती क्या है, काम करने वाले की भी गलती बता रहा हूँ, चेक नहीं करने आता उनको कि नोटिफिकेशन चेक कैसे करते, कैसे आता है। जैसे मैं इसके लिए मैंने सेशन में बताया हुआ नोटिफिकेशन कैसे चेक करते हैं, कई लोगों को ये भी नहीं पता नोटिफिकेशन को मास में कैसे चेक करना है बाबू, ठीक है। ये सारे तरीके हैं। अब आप देखो, अगर कहीं ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन का आज भी डल जाएगा, अगर आप यहाँ पर काम करने वाले ने डाला ब्रेकडाउन है, M2 डाला तो ब्रेकडाउन का घंटे जुड़ जाएगा बाबू। तो जरूरी है कि आप जो प्लांट मेंटेनेंस की एक्टिविटीज को प्लांट मेंटेनेंस में शटडाउन तो शटडाउन में, ब्रेकडाउन तो लिखो बिल्कुल ब्रेकडाउन में इतना काम लगा। एडिशनल डेटा में भी लोग क्या करते हैं, जो मोड ऑफ रिक्विजिशन रिटर्न बोल देते हैं, ठीक है ना, रिटर्न करवाते नहीं, प्रिंट नहीं देते सामने वाले को, भैया तुम कहाँ काम बोलो, नहीं। अगर ये वेल्डिंग मशीन का कनेक्शन हो रहा है, ठीक है ना, ओनली कनेक्शन हो रहा है, रिटर्न का परमिट ले, प्रिंट लोगे आप, उसको अपना साइन करोगे, अगर उसमें आइसोलेशन की जरूरत है या कुछ भी है तो इलेक्ट्रिकल का साइन भी लेंगे कि हाँ मशीन में आइसोलेशन होगा तभी वेल्डिंग होगा, उसके अलावा वेल्डिंग मशीन कनेक्शन तो होना ही होना है। तो कुछ मिस्टेक यही है कि आपको प्लांट पता होना चाहिए, आपको इक्विपमेंट पता होना चाहिए, क्या कौन से टाइप की आपको नोटिफिकेशन क्रिएट करे वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आप किस प्लांट के लिए नोटिफिकेशन बना रहे हो, किस डिपार्टमेंट को आप एड्रेस कर रहे हो,
किस पीरियड में आपको काम कराना है। अब देखो आपने जैसे मान लो आप प्रोडक्शन के हो, आपने इक्विपमेंट है, एक मान लीजिए कोई इक्विपमेंट इसमें लिखा हुआ है, मान लेते हो एक्स वाई जेड है, उस इक्विपमेंट में आप बोल रहे मुझे मेंटेनेंस करके दो और आप वो मशीन को कंटिन्यू चलाए पड़े, तो आप मेंटेनेंस दे पाओगे? नहीं। आपने नोटिफिकेशन बना दिया, नोटिफिकेशन की एजिंग हो गई, सामने वाले के लिए तो प्रॉब्लम है ना। आपने नोटिफिकेशन बनाया तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पहले ही डिस्कशन होना चाहिए कि मैं इस इक्विपमेंट को इस पीरियड में बंद कर रहा हूँ और इसका हमको मेंटेनेंस लेना है, और इसका नोटिफिकेशन मैं जैसे ही इक्विपमेंट को बंद करूँगा उसके बाद ही आपको नोटिफिकेशन दूंगा। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आप पहले से नोटिफिकेशन बनाओगे, स्टार्ट डेट एंड डेट मेंशन कर दोगे तो बहुत दिक्कत है, ठीक है ना। आपको इंस्टेंट बनाना है, 2 मिनट का काम है नोटिफिकेशन का, ठीक है। इंस्टेंट उसको कम्युनिकेट करना है जो भी आपके जो क्या बोलते हैं जिनसे आपको सर्विस लेनी है, सर्विस प्रोवाइडर जिसको कहते हैं। उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर को भी ये रहना चाहिए कि जैसे उसका आया तो उसे नोटिफिकेशन का प्रिंट आउट लेना है, ठीक है ना। प्रिंट आउट लेके आपको काम करवाना है, कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑर्डर बना के उसके अंदर बुक करना है। और इम्पोर्टेंट है, काम कंप्लीट हो गया उसको लॉस्ट टाइम या जो भी आपका जो वर्क टाइम वर्क ड्यूरेशन जो लगा वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हम बोलते हैं ना PDCA साइकिल, आपने सुना है? तो ये क्या है, जो आपने पहले से कम्युनिकेट किया उसको क्या बोलते हैं, प्लान। उसके बाद क्या है, जिस समय आपको काम करवाना है ये सब करना है तो डू। उसके बाद जो आपकी सर्विस प्रोवाइडर ने काम किया उसको चेक करना है, उसके लिए बोलते हैं चेक, PDC। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्ट। एक्ट क्या है, टू कम्युनिकेट कि आप में ये गड़बड़ हो गई, इसने ये गलत कर दिया, इसको ये सुधारो, ये जो करो। तो क्या है, नोटिफिकेशन बना के नहीं रहना है, साइट में भी जाना है, देखना है, राइट। सो होप सो दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो समझ में आई होगी, और कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आर ऑलवेज ओपन। आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, एंड एज आई ऑलवेज से बी सक्षम इन SAP PMO। थैंक यू।